ही गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HP हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन नज़दीक है तो इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लाल ट्रैफिक लाइट का चमकना मतलब, यानी कि जब लाल ट्रैफिक लाइट चमकती है तो उसका मतलब पूछा है क्या होता है। हरी बत्ती जलने तक वाहन रोकना चाहिए, वाहन रोकें और सुरक्षित होने पर अलर्ट आगे बढ़े, कम गति करें और आगे बढ़े, इनमें से कोई नहीं। जब रेड सिग्नल जलता है तब हमें वाहन जो है पूरी तरह से रोक देना चाहिए, वाहन रोकें और सुरक्षित होने पर आगे बढ़ें। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है। अब जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इनकी नंबर प्लेट का कलर कौन सा होता है, तो इनकी नंबर प्लेट का कलर होता है, अब कुछ लोग डायरेक्ट हरा लगा देंगे तो हरा नहीं होगा, सफ़ेद अक्सर, और जो संख्या है वो हरे रंग की पृष्ठभूमि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डायरेक्ट हरा मत कर देना नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सफ़ेद अक्षर लिखे जाते हैं और संख्या के साथ हरे रंग की जो है पृष्ठभूमि होती है, प्लेट हरे रंग की होती है और जो अक्षर होते हैं जो नंबर डिजिट होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पीले कलर की जो है नंबर प्लेट होती है जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, पीले कलर की पृष्ठभूमि होती है उनकी और जो अक्षर होते हैं वो ब्लैक कलर में लिखे जाते हैं, और जो पर्सनल व्हीकल होते हैं उनकी जो पृष्ठभूमि होती है जिसको बैकग्राउंड बोलते हैं वो वाइट कलर की होती है जैसा आपको पता है, और जो अक्षर लिखे जाते हैं वो ब्लैक कलर में लिखे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में दिन के समय जब दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जब कम दिखाई देने लगता है बरसात के मौसम में, तो चालक को क्या करना चाहिए, ड्राइवर को हेडलाइट का प्रयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करें कि वाइपर पुराने नहीं हैं, या अपना वाहन सड़क के किनारे पार्क कर देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। अगर बरसात का मौसम है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे फॉग के चलते या कुछ कोई और रीज़न है, तो हमें अपनी हेडलाइट का प्रयोग करना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूज़ द हेडलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, ABS स्टैंड्स फॉर, ABS की फुल फॉर्म पूछी है, तो मैं एक वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जिसमें सारी फुल फॉर्म्स कवर की जाएंगी। ओके, छोटी सी वीडियो होगी वो, इंपॉर्टेंट जो आपकी फुल फॉर्म्स होती हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो ABS की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे, ABS की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेवारी है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा इसकी जिम्मेवारी, ये किसकी जिम्मेवारी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की रिपेयर करना, बनाना, इनका पूरा कार्य देखना, टोल टैक्स, ये कौन करता है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता है कि ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अंडर आता है, तो इसका केंद्र सरकार के अधीन होता है ये। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, इसका ऑप्शन बी होगा, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर जेब्रा लाइनें किस लिए होती हैं, जो सड़कों पर जेब्रा लाइनें होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग जिनको बोलते हैं, अब आपकी ऐसी सड़क है तो बीच में ऐसी धारियाँ सी होती हैं, आपने देखा होगा, ये वाहनों को रोकने के लिए होती है, ओवरटेकिंग के लिए होती है, या सड़कों के सौंदर्यकरण के लिए यानी ब्यूटीफुल बनाने के लिए सड़कों को इसलिए होती हैं ये, या ये पैदल यात्रियों की क्रॉसिंग के लिए होती है। अब तो ऑफकोर्स ये इसका इस्तेमाल क्रॉसिंग के लिए होता है पैसेंजर की, यानी पैदल यात्री जो होते हैं तो उनके जो क्रॉसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन है तो पॉलिटी से क्वेश्चन तो आएंगे ही लैंग्वेज वगैरह से। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछते हैं, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कौन सी है। तो अब कई कैंडिडेट्स पहाड़ी लगा देंगे, तो पहाड़ी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज पूछी जा रही है। अब जो पहाड़ी है ये तो एक बोली है, इसको हम बोली कहते हैं। ओके, तो हमारी जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी ही है। ओके, तो हिंदी भाषा है, टांकरी एक लिपि है, इंग्लिश जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, टांकरी हमारी लिपि है, ये पहाड़ी भाषा, पहाड़ी बोली की हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, आधिकारिक भाषा हिंदी है। अब हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन में हाई कोर्ट से रिलेटेड, न्यायाधीशों से रिलेटेड, उनकी एज, इनको हम एक वीडियो में सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे जल्दी, आज शाम को या कल सुबह। ओके, शाम को मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं आजकल, माननीय DY, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब कई बार रिटायर एज भी पूछ ली जाती है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कब रिटायर होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब रिटायर होते हैं, तो इनकी रिटायर होने की एज होती है 65 ईयर्स,
65 ईयर, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी एज होती है 62 ईयर्स। ओके, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो भारत के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो इन्हें कौन त्याग किसे त्यागपत्र सौंपते हैं ये? तो ये भारत के राष्ट्रपति को तो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ओके, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू विच रिवर? तो गोविंद सागर लेक किस नदी से रिलेट करती है, संबंधित है? तो गोविंद सागर लेक जो है ये सतलुज नदी से संबंधित है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है हमारी तिब्बत से। तिब्बत के बाद ये कहाँ एंटर करती है? तिब्बत के बाद ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एंटर करती है, और लास्ट में ये बिलासपुर में झील का निर्माण करती है, और उसके बाद वो ये भाकड़ा से होते हुए, भाकड़ा गांव से होते हुए ये पंजाब में चली जाती है। गोविंद सागर झील बिलासपुर शहर के किनारे स्थित है। रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है। सतलुज नदी राक्षसताल से निकलती है। हिमाचल की सबसे छोटी नदी यमुना नदी है, इसकी टोटल लेंथ 22 किलोमीटर है। किलोमीटर याद रखें, 22 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर जिला सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। सबसे कम लिटरेसी रेट है चंबा में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं चंबा में, अगर औसत देखें उनकी। ओके, कुल्लू का फैक्ट है कि यहाँ सबसे कम आबाद गांव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त अमल है, यानी जो एसिड यूज़ होता है ऑटोमोबाइल बैटरीज में, गाड़ियों की बैटरीज में, उनमें कौन सा एसिड होता है? तो उनमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल उसमें होता है बैटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकारी वाहन का ड्राइवर चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसका उत्तरदायी कौन होगा? वाहन में बैठा अधिकारी होगा, या ड्राइवर होगा, या ड्राइवर का वरिष्ठ होगा, या सरकार होगी? अगर सरकारी वाहन है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चलाने वाले ड्राइवर की होती है, क्योंकि उसी को ही डिसीजन लेता होना होता है, वही रूल्स ब्रेक करता है। अब गाड़ी तो खुद चलती नहीं है, तो ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आप रात में किसी अन्य वाहन के पीछे बिना रोशनी वाली गाड़ी पर चला रहे हैं, बिना रोशनी वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर रात को आपसे आगे कोई वाहन चलाया, आप किसी वाहन के पीछे चले हैं गाड़ी में, और जो सड़क है उसमें लाइट्स नहीं लगी है, स्ट्रीट लाइट्स, तो आप क्या करना चाहिए आपको? आपको हाई बीम लाइट्स का उपयोग करना चाहिए, या आपको लो बीम लाइट्स का उपयोग करना चाहिए, या अपने हेडलाइट्स को फ्लैश करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? अगर ऐसा सिचुएशन है जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोली है, तो आपको केवल लो बीम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट वाला जो ड्राइवर है उसके उसको बैक मिरर में, बैक व्यू मिरर में उसको आँख जो लाइट्स है वो बार बार चुभेंगी, नहीं तो उसे उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको केवल लो बीम हेडलाइट का ही यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न प्रकार के वाहनों को खाली मार्ग तुरंत दिए जाना चाहिए? किस प्रकार के वाहनों को जो है रोड खाली कर देना चाहिए? अगर वैसे वाहन आए तो, अगर पुलिस के वाहन आए तो हमें एकदम रोड खाली कर देना चाहिए, या एक्सप्रेस सुपर एक्सप्रेस बसें आएँ तब खाली करना चाहिए, या एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहन आए, एम्बुलेंस आए तब रोड खाली करना चाहिए, स्कूल बस आए तब साइड में हट जाना चाहिए, गाड़ी अपनी साइड में कर देना चाहिए। तो इसका मोस्ट कॉमन सा उत्तर है कि जब एम्बुलेंस या कहीं अग्निशमन सेवा वाहन आए तब हमें उन्हें पूरा रास्ता देना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया? फुल स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, हिमाचल प्रदेश ने कब अचीव किया था? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। जब फॉर्मेशन हुई थी जब केवल 4 जिले थे, कौन कौन से जिले थे 4? एक तो हमारा मंडी था, दूसरा सिरमौर, तीसरा चंबा, और चौथा महासू। महासू के अंतर्गत क्या कौन, एक तो महासू में शिमला का कुछ एरिया आता था, सोलन का काफ़ी एरिया आता था, ठीक है? तो केवल 4 ही जिले थे जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद टाइप सी राज्य रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा काफ़ी समय तक। उसके बाद जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोटरसाइकिल और कार के पंजीकरण की वैधता क्या है, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटरसाइकिल एंड कार?
तो जो आपकी आरसी होती है उसकी उसका टाइम पीरियड होता है 15 वर्ष तक। आरसी का रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है आपका, आरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आरसी की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो है वैलिडिटी होती है 15 साल तक, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा से। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको कितने समय के भीतर उसको रिन्यू करवाना होता है, नवीनीकृत करना होता है? तो आपके पास 30 दिन होते हैं। जब आपका लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको 30 दिन के अंदर उसे रिन्यू करवाना होता है कंपलसरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सड़कों पर निम्नलिखित में से कौन से हॉर्नों को बजाने की अनुमति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रेशर हॉर्न बजाने की अनुमति है क्या, या मल्टीटोन्ड हॉर्न, या जो विभिन्न प्रकार की ट्यून्स बजा देते हैं, म्यूजिकल हॉर्न गाने बजाने की, या इलेक्ट्रिक हॉर्न? तो केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न बजाने की ही परमिशन होती है रोड में। अब ये जो प्रेशर हॉर्न बजाते हैं बहुत तीखे, या कोई मल्टीटोन कोई कैसा गाना बजा रहा है कोई, या पूरा म्यूजिक ही बजा दे रहा है, ये सारे जो है वैलिड नहीं होते हैं, इनकी अनुमति नहीं होती है। अगर आप पकड़े गए तो आपको भारी चालान हो सकता है इसके बारे में। तो केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न ही अलाउ होते हैं रोड पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है। वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? सभी को पता है काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये कहाँ से हैं, ये डिस्ट्रिक्ट, ये कौन से राज्य से हैं, तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं नितिन गडकरी जी। ओके, अभी फिलहाल वर्तमान में ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं मोदी सरकार में। आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। शाम को हम एक और वीडियो लाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए? थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।